दर्शन और आप सबके, क्योंकि पोखरण हमारे लिए बहुत बड़ी जगह है और पोखरण में आप लोग सबके दर्शन करने का ये बहुत बड़ा मौका मिला है, इसलिए मुझे तो विश्वास है कि आप मुझे माफ कर दो। आज हमारे मंच पर उपस्थित पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह साहब, हमारे नेता प्रतिपक्ष सुलाजी भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव भूपेंद्र जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश जी मेघवाल और सांसद अर्जुन जी, पूर्व सांसद जसवंत सिंह जी बिश्नोई और उपाध्यक्ष हमारे ओंकार सिंह जी लाखावत, पूर्व मंत्री राजेंद्र जी गहलोत और लक्ष्मी नारायण जी दवे और विधायक चंद्रकांता जी, विधायक छोटू सिंह जी, पूर्व विधायक सांग सिंह जी, दुर्गाराम जी और पप्पा राम जी, शैतान सिंह जी, जिलाध्यक्ष स्वरूप सिंह जी और जनसंघ के वरिष्ठ नेता त्रिभुवन जी, आदरणीय प्रतापपुरी जी महाराज, विधायक बाबू सिंह जी और शंकर सिंह जी और नगर पालिका के चेयरमैन साहब और इधर उपस्थित इतनी अच्छी संख्या में सब मेरी माताएं बहने, मेरे सब बुजुर्गण और भाइयों, आपको प्रणाम। अभी अभी युवा मोर्चा के कार्यक्रम में 2 मिनट के लिए मैं होते हुए आपके पास आ रही हूँ। युवा मोर्चा ने अटल बिहारी वाजपेयी जी की याद हम सबको दिलाई, अटल जी की जोरदार तस्वीरें मेरे को देखने को मिली और पोखरण के मैं समझती हूँ कि जसवंत सिंह साहब भी बैठे हुए हैं मंच पर, आज उनको भी हमको भी वो दिन याद आए जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस देश के गौरव को दुनिया के अंदर फैलाने का काम इस पोखरण से किया था, वो याद हमको आज आप सबको देखने होगी। ये बहुत अच्छी बात है कि छठा नहीं, हाँ ये आखिरी चरण है मेरा और आखिरी चरण की शुरुआत भी पोखरण जैसी जगह से हो, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात। और यहाँ से शुरू करके मैं तो विश्वास से करती हूँ उस लड़ाई के अंदर हम लोगों ने पूरे देश के अंदर भारत का वो परचम फहराया, ऐसे इस लड़ाई के अंदर भी हम भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराने में इस पोखरण से जो शुरुआत की है उसमें कभी नहीं छोड़ेंगे। आप लोग सबका हमारा साथ है, इसलिए मुझे विश्वास है कि आने वाले समय के अंदर हम लोग सब मिलकर राजस्थान के ऊपर राज करने का काम करेंगे और नया राजस्थान बनाने में सफल बनेंगे। मैंने सबको ये कहा कि 65 साल हम लोगों ने देख लिया राज इस कांग्रेस का, उधर नरेंद्र मोदी जी का अपन ने देख लिया 15 साल के अंदर उन्होंने कैसा गुजरात बनाया, उधर शिवराज जी को देखा कैसा मध्य प्रदेश बनाया और उन्होंने 10-15 साल के अंदर ये काम कर लिया। या राजस्थान के अंदर 53 साल हमने कांग्रेस को दिया और कांग्रेस की क्या हालत है जरा दिखाओ मेरे को, क्या आप लोग सब जानते हो कि पोखरण ही नहीं जहां जहां मैं राजस्थान में गई हूँ वहां हमारी मूलभूत सुविधा ही हमको आप नहीं मिलती। आज मैं पूछना चाहती हूँ कि पोखरण फलसून की क्या स्थिति है, कोई जानता है? पोखरण फलसून से आप लोग सबको पानी मिलना चाहिए था, क्या पोखरण शहर के अंदर पानी आ गया? आ गया? क्या बात कर रहे हो आप? 1454 रुपए, 1454 करोड़ रुपए और इसमें 3 शहर, 580 गांव और 3200 ढाणी और वर्ष 2005 में 29 मार्च को हमने शुरू किया था, आपको याद है? और वो भी मुझे याद है, वो जसवंत सिंह जी आपको याद होगा कि चुनाव के अंदर जसवंत सिंह जी ने वो बात उठाई थी और मैंने ये भी कहा था कि मुझे तो राजस्थान के बारे में ज्यादा कुछ मालूम नहीं है, आप मेरे को कह रहे हो कि पोखरण भलसून करना है। उनकी बात को ध्यान में रखते हुए जब सरकार अपनी आई तो 2005 के अंदर पोखरण भलसून का काम हम लोगों ने पैसा अलग करके काम शुरू किया, आज तक वो पूरा हो जाना चाहिए था। सिवाना, बालोतरा और पोखरण सबको पानी मिल जाना चाहिए था इन सब गाँव के साथ, मिला क्या? मुझे ये मालूम होता है कि 2-3 दिन के अंतराल में पेयजल की आपूर्ति होती है, यहाँ बताते जाना मुझे कि मात्र आधे घंटे के लिए शहर के अंदर पानी मिलता है और वो भी 2-3 दिन के अंदर, क्या सही है? ग्रामीण क्षेत्र के लोग और भी ज्यादा परेशान है, वो कहते हैं कि 4-5 महीने से कुछ गाँव के अंदर तो पानी पहुंचा ही नहीं है और लोग दूर से पानी लाते हैं, टैंकर से लाते हैं और टैंकर में 1000-1000 रुपए उनको लेना पड़ता है, क्या ये सही है? यह 65 साल के बाद, 53 साल के बाद कांग्रेस का राज जो बार बार आपके सामने आके लोग कहने की कोशिश करते हैं, मैं तो खाली ये पूछ रही हूँ कि पानी पिलाया क्या किसी को? नहीं पिलाया है। आज चुनाव को नजदीक देखते हुए
काम में थोड़ा सा पैसा डाल के उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अरे तो सब पूरी जनता जो यहाँ बैठी है जानती है कि ये 5 साल के अंदर आराम से पानी पिला सकते थे, परंतु उन्होंने नहीं मिलाया और उसकी याद करके ऐसी सरकार को वहां बैठने का मौका हम लोगों को देना ही नहीं चाहिए। जो हमें पानी नहीं पिला सकता 53 साल के बाद, ये 5 साल की बात नहीं है, ये 53 साल की बात है। और वो हमारी जरूरत पड़ी कि हम लोगों ने मिलकर आपको 1400 करोड़ का इंतजाम करके दे भी दिया, उसको भी इस्तेमाल नहीं कर पाए। आज फिर अगला काम आपका बिजली का, बिजली आपके शहर के अंदर में जब जा रही थी 2008 के अंदर जब मैं जा रही थी उस समय मैंने एक नई लाइन निकाली बिजली की जो राजस्थान के इतिहास में पहली दफा आई। महिलाओं के लिए मैंने लगाया एक घरेलू बिजली का लाइन जिसको जाते जाते मैं ये कह सकती हूँ कि 18 से 20 घंटे तक मैं बिजली देके गई, घर के अंदर आप लोगों को बिजली मिली। अब मैं देखती हूँ कि देखिए जब कोई उपलब्धि होती है तो कोई भी आदमी अपनी उपलब्धि को पहाड़ की ऊपर खड़ा होकर सबको सुना सकता है, परंतु घोषणा और उपलब्धि उसमें फर्क है। मैं आपको ये कह दिया कि 18 या 20 घंटे बिजली आपको दूंगी, ये मेरी घोषणा थी। और अब मैं घोषणा करती हूँ कि आने वाले समय के अंदर सरकार अपनी बनेगी तो 26 घंटे घरेलू बिजली आप लोगों को मिलेगा। ये तो मेरी घोषणा है, परंतु 18 से 20 घंटे जो बिजली मिली थी वो मेरी थी उपलब्धि। यहाँ तो रोज तो पोस्ट कार्ड भेजते हैं, कहा तो उन्होंने पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी खोल दी, कहा उन्होंने टेक्निकल यूनिवर्सिटी खोल दी, ये तो घोषणा है कागज के ऊपर। आप जाके वहां देख लो तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और इसीलिए आप लोग सबको ये कहना चाहती हूँ कि जहाँ ये बिजली घर में नहीं दे सकते जो देना चाहिए था, जो की तैयारी थी। और यहाँ किसान भाइयों आप लोग सब बैठे हो, मैं पूछना चाहती हूँ आपको 8 घंटे बिजली 3 फेज की मिल रही है क्या? अच्छा ये बताना मिल रही है क्या? मेरे को ये बताया जा रहा है कि आप लोगों को इतना मुसीबत है कि कई गांव के अंदर विद्युत तंत्र के प्रबंधन की वजह से 2-2 दिन तक तो बिजली गायब रहती है, क्या ये सही है? और जो आप लोगों को 3 घंटे मुश्किल से और वो भी ट्रिपिंग के साथ, तो आप लोग अपने घर की जिस तरीके से बिजली देना चाहते हो नहीं दे सकते हो। और डिमांड नोटिस जमा करने के बाद भी हजारों की संख्या में लोगों ने किया है पर उनको अभी तक बिजली नहीं मिली। मिली क्या? कितने सारे लोगों ने डिमांड नोट जमा किया पर नहीं मिली। धारणी में बिजली के कनेक्शन के आवेदन 3 साल से लाल वस्तों के अंदर बंद है, ये है ना, 3-3, 4-4 साल। तो क्या कर रहे थे ये 4.5 साल के लिए, क्या काम किया? अरे टेक्निकल यूनिवर्सिटी भूल जाओ, अगर मेरे को पानी नहीं है, बिजली नहीं है, सड़क नहीं है, अरे मुझे रोजगार नहीं है, रोजगार मिल गया आप लोगों को? मिला यहाँ हमने अपने समय में कह दिया था कि 10 लाख लोगों को हम रोजगार देंगे और हमने रोजगार दिया। यहाँ उनके कागज पढ़ लो तो ये कह रहे हैं कि हमने लोगों को रोजगार दिया, हमने लोगों को टीचर बनाया, हमने लोगों को डॉक्टर बनाया। अरे है कोई यहाँ? है कोई जो टीचर या डॉक्टर बना? अगर होता तो वो ट्रेन के ऊपर सबसे पहले पृष्ठ के ऊपर आप तस्वीर नहीं देखते कि 7.5 लाख लोग परीक्षा करने गए, 2000 पटवारी के पोस्ट के लिए 12 लाख लोगों ने आवेदन किया और 7.5 लाख ने परीक्षा दी। अगर सब लोगों को नौकरी मिल रही होती तो ये स्थिति आपको देखने को मिलती क्या? और हमारे बच्चों को आजकल ये टेट से डरा के रखा हुआ है कि टेट की परीक्षा आपको करनी पड़ेगी और टेट की परीक्षा नहीं करोगे तो फिर आप लोग कहीं पास नहीं हो सकते हो। और इसीलिए हमारे बहुत सारे संख्या में बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगी, उसका प्रबंध मैंने कर दिया है। और मैं आप लोगों को कह सकती हूँ सरकार अपनी आएगी तो RPSC के द्वारा जिस तरीके से हम लोगों ने पहले व्यवस्था बना के रखी थी उसी तरीके से हम लोगों को व्यवस्था बना के उतनी संख्या में लोगों को नौकरी देने का हम लोग काम करेंगे। चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब आपने राजकीय अस्पताल पे मैं आती हूँ, मुझे बताओ कि मेरे को ये बताया जा रहा है कि एनेस्थीसिया, नेत्र, अस्थि रोग, इन सब विशेषज्ञों के पोस्ट खाली पड़े, क्या सही है? नर्सिंग स्टाफ की कमी है, मुफ्त जांच की सुविधा के डॉक्टर ही नहीं है, नर्स नहीं है, तो मुफ्त जांच कहाँ से हो रही है? हो रही क्या आपकी? मुफ्त दवाई मिल रही है क्या? जब डॉक्टर नहीं है तो कहाँ से मिलेगी?
ये तो आपकी स्थिति है। और मैं सब लोगों को कहना चाहती हूँ कि वो मुफ्त दवाई के लिए लंबी लंबी कतारें खड़ी हो जाती है और वो लंबी लाइन के अंदर बेचारे खड़े हो घंटों निकालने पर उनका काम होता है क्या? नहीं होता है। मैं इसलिए अध्यापकों को स्कूल के अंदर, आज स्कूल बंद हो रहे हैं, जहाँ जहाँ ढाणियां हैं, हमने चला के स्कूल खोले थे और इसलिए खोले थे ये कह के कि बच्चे आ नहीं पा रहे हैं शहरों के अंदर, तो ढाणियों के अंदर ही स्कूल और ढाणियों के अंदर ही टीचर अपन लगाएंगे। ये पहली सरकार है जिसने ढाणियों के अंदर के स्कूल को बंद करने का काम किया है। और जहाँ टीचर है वहाँ बच्चे नहीं, जहाँ बच्चे हैं वहाँ टीचर नहीं, और इतने सारे स्कूल हैं जिनके अंदर टीचर की व्यवस्था ही नहीं है। क्या आपके क्षेत्र के अंदर भी यही है? कांग्रेस के राज में पोखरण के अंदर एक भी नई सड़क बनी क्या? पुरानी सड़क की मरम्मत हुई क्या? नरेगा के काम हुए क्या? नरेगा के अंदर 13,000 करोड़ रुपए तो खा गए और कोई काम नहीं चालू कर रहे हैं। और अभी भी मैं आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि न पानी, न बिजली, न सड़क, न रोजगार, न टीचर, न डॉक्टर, तो 4.5 साल क्या किए और 53 साल क्या किए? जो सरकार हमारी इतनी भी नहीं देख सकता है, क्या उसको उस कुर्सी पे बैठने का हक है? अब आप लोग देखो, आप आजकल बाड़मेर का जो इलाका और जैसलमेर का इलाका और बीकानेर का इलाका अखबारों में फ्रंट पेज पे आ रहा है, क्यों? कोई अच्छी बात नहीं है? ये बताया हमको कि पेट्रोलियम की रिफाइनरी आ रही है, बड़ी खुशी की बात है। परंतु आपको सबको मालूम है कि अगर आपकी सरकारी जमीन पड़ी हुई थी और वो 55 ग्राम है, मैं बुनियादी में उसमें नहीं जा रही हूँ, मैं तो सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ कि अगर आप रिफाइनरी ला रहे थे तो आपने उसका इंतजाम पहले क्यों नहीं किया? पहले बाड़मेर में ले जाके वहां जमीन का सौदा किया और जोर से घोटाले किए। किसी भी गरीब के पास तो जमीन नहीं आई, परंतु इन बड़े बड़े लोगों ने, इन मंत्रियों ने जमीन का घोटाला कर करके सस्ती दाम पे खरीदा और बहुत ऊंचे दाम के ऊपर बेच के और बहुत सारा पैसा बनाया, ये सब लोग जानते हैं। यहाँ तक कि गरीब आदमी, कहीं एससी के लोग भी, उनको यही नहीं मालूम है कि हमारे नाम के ऊपर जमीन किसी ने कर दी है। और जब ये 55 लाख को शिफ्ट हुआ तो 6 महीने पहले 55 लाख के आसपास की जमीन के अंदर भी खरीद फरोख्त होने का काम चालू हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? जोरदार धंधा। इसके पहले रॉबर्ट वाड्रा आए, जो देश के आप जानते हो बहुत बड़े व्यक्ति है, देश के दामाद कहलाए जाते हैं, रॉबर्ट वाड्रा ने आके करीबन 10,000 बीघा जमीन के ऊपर खेल करके छोड़ दिया। ये पूरे इलाके के अंदर इन्होंने जमीन खरीदी सस्ते में और बहुत ऊंचे में बेच के छोड़ दिया। और मुख्यमंत्री कहता है कि मैं तो जानता ही नहीं हूँ कि कौन है रॉबर्ट वाड्रा, मैं जानता नहीं हूँ कि वो यहाँ आया, मैं जानता नहीं हूँ कि उसने पैसा खाया, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। तो फिर वो मुख्यमंत्री क्यों बैठे हुए? अगर इतना ही नहीं मालूम कि इतने बड़े बड़े घोटाले अपने प्रदेश के अंदर हो रहे हैं जिसमें वो खुद शामिल है, तो फिर मैं समझती हूँ कि उनको कुर्सी में बैठने का मौका नहीं होना चाहिए। अब आइए आप रिफाइनरी पे। बड़ी खुशी की बात है कि एक बहुत बड़ी रिफाइनरी राजस्थान के अंदर आ रही, परंतु भटिंडा के अंदर, बड़ौदा के अंदर जब रिफाइनरी लगी तो सबसे ज्यादा पैसा उसमें केंद्र का पैसा लगा। ये पहला प्रदेश है जिसके रिफाइनरी के अंदर खुद प्रदेश का पैसा लग रहा है। आपकी जमीन, आपका पैसा और भारतीय कंपनी के पूरे शेयर, आपको तो ये पूरी कंपनी अपने हाथ में रख लेनी चाहिए थी। बाहर का आदमी आता तो वो थोड़ा सा ले जाता, तो राजस्थान को क्या मिला? राजस्थान के लोगों को क्या मिला? पूरा बाड़मेर, पचपदरा, पूरा इलाका बिक गया, एक एक नहीं दो दो बाढ़ बिक गया, लोगों ने पैसे बना लिए। क्या ऐसे घाऊ लोगों को, ऐसे लोगों को हम लोग राज करने का मौका देंगे क्या? बताओ मुझे। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ती हूँ, एक नया राजस्थान हमको बनाना है। उस नए राजस्थान को बनाने के लिए हम सबको जुड़ना है। मेरी तरफ मत देखना, एक अकेला व्यक्ति वो काम नहीं कर सकता है, परंतु हम सब मिलकर वो कर सकते हैं। एक नया राजस्थान अगर आपको हमको बनाना है, एक ऐसा राजस्थान जिसमें हमारी महिला सुरक्षित है। आज माता बहने क्या इज्जत रोड के ऊपर, सड़क के ऊपर हमारी बिक्री, क्या हालत है महिलाओं की? हम चाहते हैं कि हमारे नए राजस्थान के अंदर हमारी महिला पैरों पर खड़े हो जाए। हम चाहते हैं कि हमारे नए राजस्थान के अंदर हमारे किसान मजबूत हो जाए। अरे किसान भाइयों, मैं पूछना चाहती हूँ, पाला पड़ा था, पाला पड़ा था, प्राकृतिक मुसीबत यहाँ हुई थी, किसी को मुआवजा मिला?
हमें तो जयपुर के अंदर ही बताया गया कि जोरदार कौन सा मिल रहा है, बिजली के दाम आपको घटा दिए गए हैं और पैसे का जोरदार पैकेज मिला क्या? नहीं मिला। किसान को मजबूत करना, उसको सही टाइम पे पानी, सही टाइम पे बिजली, सही टाइम पे बीज, सही टाइम पे खाद और सही दाम जब वो अपनी फसल को लेके जाता है। आज ऐसी जोरदार महंगाई पड़ गई है कि माताएं बहने हम लोग अपना घर ही नहीं चला सकते। आज ऐसी हालत हो गई है कि टमाटर के भाव किसानों के लिए तो 15 रुपए और बाहर जाओ के देखो तो 70 रुपया। अरे ये महंगाई कहाँ जाएगी और बच्चे और सब लोग कैसे आगे बढ़ेंगे, प्रदेश अपने पैर पे कैसा खड़ा होगा? युवा उनको रोजगार, भारत पढ़ाई करने की जरूरत तो हो, राजस्थान के अंदर ही उनको नौकरी मिले। मैं पूछना चाहती हूँ रिफाइनरी लग रही है, इसमें हमारे बच्चों को लगना चाहिए, भारत के बच्चों को आने की कोई जरूरत नहीं है, ये याद रखिए। महिला, हमारे बच्चे, हमारे किसान और हमारे व्यवसायी सब अपने फैक्ट्री ले लेके दूर जा रहे हैं। वो कहते हैं कि यहाँ रहने से कोई मतलब नहीं है, क्यों? यहाँ इतना छोटा भ्रष्टाचार, कोई मदद करने वाला नहीं, और अगर फैक्ट्री नहीं लगेगी, अगर व्यवसाय नहीं आएंगे तो हमारे बच्चों को नौकरी कहाँ से मिलेगी? ये जरूरी है कि वो हो, इसलिए वो नए राजस्थान के अंदर व्यवसाय के लोग भी होने चाहिए, फैक्ट्री भी लगनी चाहिए, ऐसा नया राजस्थान बनाने की जरूरत है। आप तैयार हो? बनाने को तैयार हो? क्योंकि आप 4 महीने बाकी बच रहे हैं, कांग्रेस वाले आप लोगों के बीच में आके 900 बार क्या चाहिए? साइकिल, साइकिल के एवज में पैसे, लैपटॉप, लैपटॉप के एवज में पैसे, चावल उसके एवज में पैसे, अरे नाम बताओ, सोने का महल वो ले जाओ, दूध की नदी वो भी ले जाओ, बस बता दो क्या चाहिए, हमें वोट चाहिए। हमको सबको बता देना चाहिए कि जो सरकार काम नहीं करता, जो सरकार हमारे बच्चों के लिए, हम सबके लिए आगे नहीं चलती, ऐसी सरकार को मौका हम नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। तैयार हो? डराएंगे, धमकाएंगे। अभी मैं गांव से निकल रही थी तो मेरे पास लोग आए कि 2 बच्चों का मॉडल हुआ, उसको सीबीआई में दे देना। मैंने सबको कहा कि सीबीआई आपके लिए नहीं है, सीबीआई तो हम सब के लिए है, गुलाब जी के लिए सीबीआई, हम सबके लिए सीबीआई, गरीब लोगों के लिए सीबीआई नहीं मिल सकती। क्योंकि भाइयों उसका काम ही है कि कल कैसे उनको बंद करो, उसके बाद हमको कैसे बंद करो, इनमें से कोई मिल जाए तो उनको कैसे बंद करो, आम लोगों के ऊपर सीबीआई का काम नहीं। मैं इसलिए आपको कह रही हूँ कि वो डराएंगे, वो धमकाएंगे, हमको इनकी बातों में नहीं आना है। हमको तय करना है कि राजस्थान अब कांग्रेस के हाथ से निकल के जनता के हाथ में जाएगा। तैयार हो तो हाथ पकड़ लो। भारतीय जनता पार्टी एक जोरदार, भारतीय जनता पार्टी और एक राजस्थान के लिए जोरदार नारा, जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान। आज कन्नौज माता रामदेव राव आपसे दर्शन के बाद मैं विश्वास करने जाती हूँ कि राजस्थान को नया राजस्थान हम लोग मिलकर बनाएंगे। आप